मनसा देवी में होली वाले दिन माँ दुर्गा प्रसाद भंडार दुकान के ऊपर दुकानदार बलविंदर गिल की दुकान पर लड़के गाली गलौज करने लगे। उसके बाद बलविंदर गिल ने कहा कि मेरी दुकान पर ग्राहक है, लेडी प्रसाद ले रही है, आप यहाँ गाली गलौज मत करो। लड़कों ने कहा हम यहीं पर दारू पियेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप रोक सकते हो तो रोक लो। मालिक ने कहा कोई बात नहीं भाई, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मौके पर लड़के चले गए। थोड़ी देर बाद 15 से 20 लड़के डंडे पत्थर रॉड लेकर दुकान में पहुंचे। देखे ये लाइव तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बलविंदर गिल और जख्मी लालू को पुलिस थाना पूछताछ करने गए, वहां पर कोई नहीं था। बलविंदर गिल का कहना है कि 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है और किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। थाने से आज पता चला है कि उन लड़कों को 3 को मेडिकल कराने के लिए सचिव से हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना हमें कुछ पता है कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं या कौन सी धारा लगाई गई है। लालू, क्या बात हुई थी लड़ाई में? आपका सिर पे चोट लगी थी। आज तक मेरे को मारना शुरू कर दिया, वहाँ जाके दुकान में आ गई, माते माते ईटे से मारे जी, पत्थर से मारे, रोहटे मारे, रोहट मारे, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और क्या बात हुई थी, क्यों मारा आपको? आते मार शुरू कर दिया, पता नहीं क्या बात हुई। अच्छा, आपसे कोई बात बहस? बाद में से कोई बात नहीं हुई जी, मैं दुकान में खड़े थे, वहाँ पे जूते घर में सेवा कर रहा था जी, मैं इन्हें आते मारे शुरू कर दिया। कितने चोट, कितने टंके आए आपको? कितनी टांके? 10-12 टांके जी। पुलिस ले गई थी आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में या खुद गए थे? खुद गए थे, पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई? 100 नंबर पे कॉल करी थी आपने? कॉल तो करी थी। क्या नाम पा जी अपना? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक, क्या मामला हुआ था जिहड़ा कल एक दिन लड़ाई था, होली वाले दिन आए सीगा? होली वाले दिन का मामला तो वैसे तो वायरल है जी, वीडियो तुम वीडियो से देख लिया, हम तुम्हें वीडियो ही अपने आप सारा दस देगा की माजरा होया सीगा। वैसे मैं इतने सीगा नहीं उस दिन। अच्छा, मैं बाहर सीगा अपने मोरनी साइड किसी काम तो गया होया सीगा। इन्हां दा फिर मैं जिन्ना अपने तरीके नाल पता किया, इन्हां ने 2-4 मुंडे इतने शराब पिछे जिहड़े कलोनी तो ने, वो इतने पी के शराब पी के थोड़ा हुल्लड़बाजी कर रहे सीगे। आ साढ़े इन्होंने मुंडे ने जो साढ़े पड़ोसी दुकानदार भी है साढ़े, इन्होंने उन्होंने समझाया, माड़ा मोटा कहता होना इस गल नाल तू मैं हो गई, तू मैं तो बाद जी वो बंदे आए 20-25 इकट्ठे हो गए, तुम सीसीटीवी देखो। हाँ जी, उन्होंने आके इन्हों ए कुटना शुरू करता, जिमें मतलब असं दस नहीं सकते, शब्दों बयान नहीं कर सकते। सीसीटीवी सारी गल क्लीयर आ रही है हूँ तक, मैंने हमने इन्हें मुंडे ने दसिया ना, तो हाले तक पुलिस ने कोई खास कार्रवाई की। पहला मैं उन्होंने आगे एक दिन SHO साहब मैं रिक्वेस्ट की, SHO साहब खुद बहुत अच्छे आदमी है। SHO साहब ने कहा जी मैं IO लाते इनकुआरी कोई मिस्टर रोशन कर रहे हैं। उन्होंने दसा जी इन्हें क्योंकि पैसे पूसे भी खो के लै गए सारे, उन्होंने दसा से भी 323-48-49 शायद 379-20 धारा लगनी है। अज 4 दिन बाद आ मुंडा जाके हूँ साडा ये दस, थोड़े आने तो पहले मैंने पूछा से मुंडा गिल। हाँ जी, ये कहता जी जाके उन्होंने हूँ अज उन्हों का मेडिकल करा रहे हैं। इस गल तो साफ पता लग रहा है कि साड़ी जी लोकल IO है वो मैनुपुलेशन कर रहे हैं, कुछ वो अपने तरीके इस सारे केस में मोल्ड करन की ट्राई है, इन केस में मैनुपुलेशन किया जा रहा है। 4 दिन बाद अज जानबूझ के चाहे वो भावें आप सट मार लेना अपने, उन्होंने मेडिकल कराया जा रहा है। क्रॉस मतलब इस केस में क्रॉस दिखाने की पुलिस कोशिश कर रही है, तो साड़ी रिक्वेस्ट है थोड़े राही, पंचकूला प्रशासन बहुत अच्छे नाल काम करता है, मैं DCP साहब नूं थोड़े राही रिक्वेस्ट करांगा कि इस मामले इन्हां लोगों जिन्हां दे सट लगी है, एक बंदे दे 17 टांके तक लग गए सिर च, तुसीं हिसाब लाओ भी जदों रॉड किसी ने सिर च मारी अगर उही रॉड कितें थोड़ी जी ज़्यादा लग जाए उहदा मर्डर हो सकता है उस टाइम। और जिहड़े आरोपी हैं उन्हां च एक लड़के ने ऑलरेडी मर्डर किया होया, सारे नशेड़ी हैं, वो सारे लड़के क्रिमिनल है, पिछे उन्होंने जी बैकग्राउंड है सारी क्रिमिनल है। अज पुलिस ने 3 या 4 दिन हो गए होली में, 4 दिन बाद अज पुलिस उन्होंने कह रही जी इन्हों का मेडिकल करावे, इन्हों के सट्टा लग गई, ये लग गया, वो लग गया, इस गल तो बिल्कुल साफ पता लग रही कि पुलिस मैनुपुलेशन कर रही है। साढ़े बस मैं बार दोबारा गल रिपीट यही करा थोड़ा कि मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा पंचकूला प्रशासन तो, पुलिस प्रशासन तो, साढ़े DCP साहब बहुत अच्छे हैं कि गरीब लोगों को जस्टिस दवाओ, इन्हों बेचारे न्याय मिले। एक मुंडा नेपाल का जिसे सट्टा लग गई उसकी हालत देखो तुम, बहुत मतलब उसकी खतरे मतलब हालत ऐसी है, इन्ना ज़्यादा उसका खून बग गया, बहुत सारे सट्टा लग गई, तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकूला से कपिल नागपाल की।